जोगिंदर नगर उपमंडल की जलपेहड़ पंचायत के नरेश कुमार गांधी वाटिका में रविवार से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए नरेश कुमार ने कहा कि वह लोगों के साथ हर तरफ हो रहे अन्याय व उनकी परेशानियों को देखकर दुखी हैं। इसी कारण वे क्षेत्र में चल रही खामियों को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी 5 मांगों के साथ इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नरेश कुमार ने कहा कि वे गुड़िया हत्याकांड, ज्योति हत्याकांड, पुलिस की परीक्षा पास करने वाले युवाओं की लिखित परीक्षा करवाने, जोगिंदरनगर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, जोगिंदरनगर में गौ सदन सहित 5 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता सहित अभी उनके सभी रिश्तेदार सम्मान्य पदों पर देश व प्रदेश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर उनके द्वारा आम जनमानस की भलाई के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, जयराम सरकार व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से अपील की है कि उनकी इन मांगों की ओर ध्यान दें व इन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि जब तक उनका शरीर इस कार्य को करने में समर्थ रहता है, उनकी यह भूख हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। मेरे अंदर एक डिसिप्लिन शुरू से ही है, मतलब गलत नहीं कर सकता। हर काम करना डिसिप्लिन से करना है। प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, वो भी डिसिप्लिन से कर रहा हूँ, ईमानदार से कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो पीछे मैं देख रहा हूँ, बड़े टाइम से देख रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अभी गुड़िया रेप केस हुआ शिमला में, मेन मुख्य मुद्दा था, 3 मुख्य मुद्दे हैं जिसमें 2 भी और एडिशनल करूंगा मैं। उसमें गुड़िया रेप केस हुआ शिमला में सर, उसमें सब कुछ हुआ, पुलिस विभाग के बड़े अफसर भी, बड़े ओहदे वाले अफसर भी जेल में रहे। लेकिन जब CBI जांच हुई तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकले थे बड़े बड़े राक्षस, निकले एक चूहिया चरानी। उसने किया है क्या नहीं किया है मेरे को नहीं पता हूँ, क्योंकि मैं जुंदर में बैठा हूँ, रोड में हुआ है और पुलिस हमारे पास हर चीज़ है, अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि इसमें देखो जो गुड़िया है उसका बेइंसाफी हो, 10वीं की पड़ती थी, आज गुड़िया के साथ हुआ है, कल यही घटना मंडी में हो सकती है, जुंदर में हो सकती है, हमारे गाँव में हो सकती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? आज मैं आवाज़ नहीं उठाऊँगा महोदय, यदि मैं आज आवाज़ नहीं उठाऊँगा कल मेरे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आज मैं किसी के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ तो वो बंदा भी मेरी आने बोले चिट कोई आपके हेल्प करेगा तो भी आपकी कोई हेल्प करेगा, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इसमें थोड़ा सा मैं देखो बाकी जो हुआ इसमें वो तो हुआ ही है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा एडिशनल करना चाहता हूँ मैं। CBI की जांच के साथ मैं इसमें थोड़ा सा एडिशनल अधिकारी सरकार, मेरा जयराम सर से अनुरोध है कि इसमें से थोड़ा सा एडिशनल मैं कार्रवाई चाहता हूँ। एक मेरे जो भी इसमें पुलिस विभाग से संबंधित एक SP रहे हैं मंडी में, सोनल अग्निहोत्री जी, वो चाहिए इसमें। SHO विनोद ठाकुर जी, SHO DSP सुनील राणा जी, बाकी रुपेश कटवाल जी इसमें बल्ब पुलिस स्टेशन में है, बाकी CID में एक मनीष ठाकुर जी हैं और साथ में अजय बरवाल जी इस टाइम द्रंग में है और उनके साथ ही एक डोग से हैं। बाकी इसमें एक साहिल जी हैं पंडो में है इस टाइम, वो अभी नए हैं, वो चाहिए इसमें। बाकी इसमें 2 अधिकारी और चाहिए, सतीश पाठी जी हैं जो कानगो इस टाइम जूनियर में, एक विनय मोदी जी SDM होते थे, ये सर मेरे को इसमें जान के इंक्लूडिंग चाहिए। ताकि दूसरा ज्योति हत्याकांड जोगिंदरनगर का, उसमें भी अभी तक सर कोई रिजल्ट नहीं आया है, वो भी सर किसी की बेटी है, वो भी किसी बेटी है और किसी घर में बहू बन के गई थी। कल हमारी बेटियां हैं सर, वो लोगों के घर में बहू बन के जाएंगी, लेकिन उनके साथ भी ऐसा होगा तो कैसे चलेगा काम, सर। अब मेरा सर महोदय से अनुरोध है कि इन दोनों केसों की जांच जो है CBI के साथ साथ जो मैंने अधिकारी आपको बताए सर वो जांच करें। थर्ड मुद्दा सर हमारे जो युवा साथी जिन्होंने कि आर्मी का ग्राउंड कर दिया क्लियर, आर्मी का मेडिकल क्लियर हो गया है, 90% वो भर्ती हो गए थे, लेकिन जो अभी केंद्र सरकार की नई योजना आई उसमें उनको दरकिनार कर दिया, उनका सर सपना जो है पूरी तरह मतलब चकनाचूर हो गया। लेकिन सर मेरा अग्निवीर से कोई ये नहीं है, जो कर रहे हैं वो गलत है, सही है, वो ठीक है, चलो जो भी है, लेकिन जो बेचारे ऑलरेडी हमारे युवा हैं जिनका की ग्राउंड हो गया था, मेडिकल हो गया था। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदरनगर से साईशा सूद की रिपोर्ट।